अक्षय कुमार हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार हैं, लेकिन इन दिनों अक्षय कुमार कई वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। साल 2022 में अक्षय कुमार ने 4 फिल्में बैक टू बैक निकाली थी, जिनमें से चारों के चारों फ्लॉप हो गई थी। वहीं अब साल 2023 की शुरुआत भी अच्छी साबित नहीं हो रही है, क्योंकि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की इस साल की पहली फिल्म सेल्फी बुरी तरह से फ्लॉप होती दिख रही है। दरअसल सेल्फी को बनाने में करीब 150 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जो अब फिल्म से आधी कीमत को भी वसूल कर पाना मुश्किल लग रहा है। फिल्म सेल्फी बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन से खराब परफॉर्म कर रही है। सिनेमा घरों में सेल्फी को ऑडियंस नहीं मिल रही है और ऐसे में फिल्म की कमाई नहीं हो पा रही है। बता दें कि सेल्फी ने पहले दिन 2.55 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। फिल्म के दूसरे दिन की कमाई 3.80 करोड़ रुपए रही और तीसरे दिन सेल्फी ने 3.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने चौथे दिन महज 1.3 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। पांचवे दिन सेल्फी की कमाई 1.1 करोड़ रही। वहीं फिल्म के छठे दिन की कमाई नीचे लुढ़कते हुए 1 करोड़ रुपए पर आ पहुंची है। इसी के साथ अक्षय कुमार स्टारर फिल्म का कुल कलेक्शन 13.70 करोड़ रुपए हो गया है। फिल्म सेल्फी मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, जहां ओरिजिनल फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी, लेकिन सेल्फी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से खराब साबित हुई। ये फिल्म राज मेहता ने बनाई है। इससे पहले उन्होंने अक्षय कुमार के साथ गुड न्यूज बनाई थी, जो कि एक हिट रही थी। फिल्म में अक्षय कुमार एक सुपरस्टार का रोल प्ले कर रहे हैं, वहीं इमरान हाशमी ने आरटीओ ऑफिसर का रोल निभाया है। इन दोनों के अलावा फिल्म में नुसरत भरूचा और डायना पेंटी भी अहम किरदार में है।